तो ये रे भाई 6 स्टार, मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस है कुछ बताओ ना। एक तो पूरा फ्रंट चेंज है, ये रखो चाबी आप अपने पास, ये फ्रंट में पूरा चेंज जैसी दिख रही है। जानू भैया हो गए भाई, राइड करने लगे ZX 6R की, एग्जॉस्ट डाल लेते हैं अभी भैया, पॉलिश इसमें भी लगी हुई है। क्या पैसे चाहिए? पैसे कितने? क्या हुआ भैया? 5 लाख चाहिए? आप सुन आ रहे हो? इस फाइनली चेक करो, यहाँ पे बाइक पूरी बैग है, अभी हम इसको करेंगे अनलोड और उसके बाद करेंगे बाइक की अनबॉक्सिंग। यार लगी तो नहीं इसको सौरभ को? लग जाएगी, ओए लग जाएगी, ओए ओए भाई तू हिला क्या? सो हेलो गाइस, राम राम से यू, कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े हो गए होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग शुरू स्टार्ट हो रहा है 7 बजे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। यहाँ पे चेक करो, हम चंडीगढ़ से आ चुके थे, जम्मू स्टोरीज वगैरह से आपने देख लिया होगा। बाकी यहाँ पे चेक करो, हमारी बाइक भी भाई पैक होके वापस आ चुकी है। गाइस फाइनली अभी बाइक वगैरह करते हैं यार अनलोड, तो बाइक की बहुत ज़्यादा आ रही थी, ब्लॉग वगैरह बन नहीं पा रहे थे। मतलब मेरे को आए हुए तो 2 दिन हुए हैं, बाइक 2 दिन बाद पहुँची है मैंने। मतलब इस फाइनली चेक करो, यहाँ पे बाइक पूरी बैग है, तो अभी उसको करेंगे अनलोड और उसके बाद करेंगे बाइक की अनबॉक्सिंग। इस बाइक को हमने नीचे उतार लिया, चेक कर लो अभी भाई, फटाफट से शुरू करते अनबॉक्स। भाई यहाँ चेक करो यार, हमारी बाइक जो है हमारे पास आ चुकी है। तो आज का ब्लॉग होने वाला है, तो भाई जल्दी से भाई अर्जुन भाई को फोन करूंगा, और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, तो उनको फोन करूंगा, बोलूँगा फटाफट से आ जाओ, अब मेरे से बाहर नहीं जा रहा यार, इससे बाइक में ब्लॉग बनाया बिना, ठीक है? तो अब से ब्लॉग बनाने तगड़े तगड़े जम्मू में जैसे पहले आते थे भाई। तो गाइस आपने देखा बाइक भी आ गई थी, तो हम तैयार हो चुके हैं, और यहाँ चेक कर लो भाई कौन कौन आ चुका है व्लॉग्स भाई। सुमित दानी भाई क्या चेक रहा है? कर गोला यार, क्या हो गया? चलो ये सौरभ भाई का ना जो ये दिन है भाई, देखो आपको पता बाजू उठी थी, इन्होंने पास पड़ गया यार, पास पड़ गया, इन्होंने स्टेनलेस स्टील नहीं डाली थी, दूसरी वाली वो पता नहीं है मुझे भी अभी आया, अब वो निकाल के स्टेनलेस स्टील दिलाए गए यार, हो गया वो जो आ रही। अर्जुन भाई जो है ना, अर्जुन भाई आ जा रही है, अर्जुन भाई कह रहे हैं मैं जाना है लड़की लड़कियों से मिलना, ठीक है भाई एक्सपोज अर्जुन भाई। तो चलो फटाफट से बाइक निकालते हैं और चलते हैं आपके मस्त सा ब्लॉग बनाने। और भाई आप सबको बता दूं कि 17 को हम निकल जाएंगे जम्मू से, अपनी जो BMW ली है उसकी भाई मॉडिफिकेशन कराने, तो ऐसी मॉडिफिकेशन होगी ना नेक्स्ट लेवल। वो सुरेंद्र शर्मा जो आ रही है 16 को, तो वहाँ पे जाना, बस उसके बाद 17 को हम निकल जाएंगे भाई। ओ भाई यहाँ चेक करो भाई, फाइनली निकल चुके हैं, और आपको पता ही है भाई फिर अब कैसे चलने वाली है बाइक, ठीक है? कोई चक्कर नहीं, येलो डॉलर देख लेंगे भाई, ठीक है? ओ भाई आपको पता ही है भाई, ड्यूक जब हाथ में होती है ऊपर से, जब हम जम्मू होते हैं तो फिर कैसे चलते हैं? आपको पता चंडीगढ़ में मैं रैश ड्राइविंग नहीं करता बिल्कुल भी, पर जम्मू में फिर आपको पता अपनी जगह यार, तो फिर कैसे ही चलाएंगे भाई, नेक्स्ट लेवल। बाकी गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं भाई सिद्रा, तो आज आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा व्लॉग देखने में, और कुछ चीज़ें मैं आपको आज गाड़ी की दिखा दूँगा कि क्या क्या डलने वाला है उसमें, क्या क्या होने वाला है, नई नई मॉडिफिकेशन होने वाली है। कौन कौन इंटरेस्टेड है भाई ऐसी मॉडिफिकेशन देखने के लिए बता रहा, हम एफ टर्न से F90 कन्वर्ट करने वाले हैं भाई गाड़ी को, मतलब कि सोच लो F10 कहाँ पे है और F90 कहाँ पे है, तो मतलब नेक्स्ट लेवल सीन करने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो जम्मू में छोड़ो भाई, कभी जम्मू क्या बोल रहा हूँ मैं, किसने नहीं किया होगा, तो अभी नेक्स्ट लेवल आने वाली है। आपको पता भाई आपकी जो भी काम करता ना नेक्स्ट लेवल ही करता है भाई। सिद्रा जा रहे थे और रास्ते में हो चुका है भाई एक्सीडेंट, फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्रा, और यहाँ पे जा करो, यहाँ पे आके आपको पता ही है लीन ही मारते हैं हम, और क्या ही करेंगे, पर निंजा 300 कहाँ करेगी भाई KTM ड्यूक 390 का मुकाबला। तो भाई इधर लगी है भाई दानी के साथ लीन पे रेस, करूँ भाई इसको पीछे, देख लो कितनी लड़ाई हुई है, सही है क्या पीछे? बाइक पूछ रहा है यार उसको नफील को भी क्या सिस्टम है क्या नहीं, पता नहीं कब दो यार क्या कर रहे हो। हाँ और स्टंट पॉइंट का भी क्या हाल हो गया होगा नहीं,
गाइस ये देखो हमारा स्टैंड पॉइंट भाई एकदम भाई वीरान हो गया होगा भाई स्टैंड पॉइंट। हाँ हाँ दोस्त है यार। कौन? अभी सौरभ भाई का दोस्त मिल गया है। वही कौन है क्या हुआ? छोड़ दे छोड़ दे बात बात बता क्या हुई है भाई लड़ाई छोड़ दे क्या हुआ भाई आपको? नशे नहीं करता पीता ही नहीं हुआ क्या? नहीं पीता यार वही तो मैं देख रहा हूँ इसलिए मैं आया मैं क्यों फोन भी किया मैंने दो दिन सुबह और रुक जा पापा बता रहा क्या सीन है बता रहा क्या सीन है पागल है क्या तू यार? ओ भाई देख मुझे यार यार बंदा क्या है तू यार और लड़ो मत यार आपस में इधर आ जा छोड़ यार पी हुई चला जा ओए भाई हेलो लग जाएगी भाई ओए लग जाएगी ओए लग जाएगी ओए ओए भाई तू हिला हुआ क्या हिला हुआ क्या दिमाग से तेरा ओ खून निकल रहा है इसको यार बाइक पे बैठा इसको इसकी ऐसी की तैसी दिमाग आ गया बाइक पे बैठा भी फटाफट गाड़ी नहीं उठ 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 यार उठा इसको उठा उठा हॉस्पिटल तो अभी यार फटाफट से चलते हैं भाई अंदर। ओ भाई गाइस बस भगवान से प्रे करता हूँ यार कि सेफ ही हो भाई कुछ ना हो उसको थोड़ी जोर से मारी उठा गौरव मिल गया भाई क्या सीन बना आन अंदर अंदर नहीं कह रहे ज्यादा बंदे ने बोल रहे अंदर मत आओ बाहर ही खड़े अंदर कट लगा अब कांच अंदर ना फंसा कांच का चक्कर अच्छा वो देख रहे हैं यार इसकी ना किस्मत ही खराब है यार भाई वो क्या बंदा नहीं उसको अंदर करवाऊंगा यार वो पता नहीं क्या सीन है ऐसा करता है या मतलब पीता पीता है कुछ नहीं उसको माइनर सी चोट थी पर यार वो पागल था उसका दोस्त। तो अभी भाई आपको मैंने बताया था कि भाई हम जा रहे हैं बाइक की डिलीवरी पे बट वो फिर जा ही नहीं पाए भाई उस सीन के बाद। तो उसके बाद क्या वो अपूर भाई घर के बाहर ही आ गया कह रहे हैं नीचे आपको बाइक दिखाते हैं तो बाइक लेके आया तो चलो गाइस फटाफट चलते नीचे। गाइस इधर चेक करो अपूर भैया आ गया। अपूर भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया आप बताओ। बस अपूर भैया ये क्या चक्कर है बाइक को बाइक के लिए जा रहे हो और गाइस फाइनली न्यू ZX10R ये रही आपके सामने क्या चक्कर है ZX6R भाई मैं मुंह में 10R चली गई ये क्या चक्कर है इधर आना थोड़ा
ओहो कैसे हो भैया, ठीक हो? क्या ले भैया, ठीक हो? स्पेक्टर भाई नहीं मिल रहे हैं, स्पेक्टर भाई कहाँ पे? कैसे भाई, जय श्री राम, ठीक हो? और यार यहाँ पे आ चुके हैं स्पेक्टर भैया, स्पेक्टर भैया क्या हाल है? जय श्री राम भैया, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा भैया आपने लिया, क्या बात, बहुत प्यारी मशीन है यार। सो गाइस फाइनली ये रही मेरी तो आ रही है, ये जीएनए की पहली है ना मेरे हिसाब से, पहली सिक्स आ रहा है भाई। जीएनए की पावर वगैरह कैसी है चलाने में? मैं तो अभी चलाई नहीं, कहाँ के स्पेक्टर भी है, स्पेक्टर भी है आप? नहीं पहली तो पावर पूर कैसी है इसमें? पावर चेक करना मेरा काम थोड़ी है, और किसका काम है? ओ मैं काम पता है, देखा एक दिन आप वो समझा रहे थे इंजन ब्रेकिंग। सो गाइस देख रहे हो हमारे व्लॉग्स, और स्पेक्टर भी अभी देखते हैं, मैं सोचा मैं ही देखता हूँ। तो ये रे भाई सिक्स आर, मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस है कुछ बताओ ना। एक तो पूरा फ्रंट चेंज है, ये रखो चाबी आप अपने पास, ये फ्रंट में पूरा टेन आर जैसी दिख रही है ना, हल्का हल्का वो टिंच आ गया टेन आर वाला तो भाई हल्का हल्का, बाकी टैंक इसका सेम ही है, पुराने जैसा ही है। टैंक टैंक में कुछ चेंज नहीं किया ना, मीटर चेंज किया हुआ है, स्लीपर क्लच वगैरह दिया होगा इसमें। मैंने एक चीज देखी, मतलब टैंक और ये काउल वगैरह पुराना है, बाकी सब पूरा नया कर दिया हुआ है, फेयरिंग वगैरह पूरी चेंज कर दी है साइड से, ऑटो क्लिपर ऑटो वो है सब कुछ है, ऑटो क्लिपर नहीं, मेरे ख्याल से क्विक शिफ्टर है, क्विक शिफ्टर ऑटो क्लिपर नहीं है। ये क्या कर रहे हो कावासाकी वालों, आप कुछ तो करो भाई, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो। बाकी यार नशा वाला चीज तो अभी मैं आपको जब मतलब कि फ्री होंगे फिर स्पेक्टर भी और मैं राइड वगैरह पे चलेंगे, फिर मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा ना कि कैसी है कैसी है, कैसी है। बाकी मशीन तो यार नेक्स्ट लेवल है, बाकी कावासाकी का ग्रीन कलर ही है जो दिखता है और तो ऐसी है। तो जानू भैया हो गए भाई राइड करने लगे ZX6 आर की, एग्जॉस्ट आ लेते हैं अभी भैया, पॉलिश इसमें भी लगी हुई है। अभी जानू भैया आ रहे हैं, ये देखो गाइस, भाई आवाज सुन रहे हो ZX6R की, मस्त है, क्या पैसे चाहिए, पैसे कितने क्या हुआ भैया, 5 लाख चाहिए, आप सुना रहे हो देते हैं देते हैं। गाइस बाइक अभी मैंने राइड की, नेक्स्ट लेवल मशीन है भाई, नेक्स्ट लेवल, किसने भाई लाइट सेगमेंट में जाना 600 cc में चुपचाप करके 6R ले लो, उससे प्यारी मशीन कोई नहीं है, नेक्स्ट लेवल राइड लंबी राइड हो जाती है। हां तो मैंने राजे की चलाई हुई है, राजे की बहुत अच्छी बाइक थी, तगड़ी मतलब 6R बाइक अच्छी है, और सीसी में एक ही तो है, और फिर उसके ऊपर वाले सेगमेंट में जाना तो फिट आना, फिट आना, कम पैसों में अगर पता होगा 10R जैसी कोई बाइक नहीं, बाप है। ओ गाइस याद दिला रहा हूँ यार, ये यूनिक शॉर्ट पेयर पाने का।